स्टोरी है एक हैप्पी प्रिंस की और एक स्वेलो की, दोनों के साथ में गुजरती है। द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति एक शहर की ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ से उसे शहर की सारी दयनीयता दिखाई देती है। एक है स्वेलो, एक छोटा पक्षी जो कि इजिप्ट से आया हुआ है। उसके दोस्त भी उसके साथ में इजिप्ट से आए थे, लेकिन उसके दोस्त इजिप्ट लौट जाते हैं वापस, लेकिन स्वेलो, ये छोटा स्वेलो यहीं पर रह जाता है क्योंकि उसे घास से प्यार हो जाता है। उसके अट्रैक्शन की वजह से वो यहाँ रह जाता है जबकि उसके दोस्त आगे निकल चुके होते हैं। जब वो उसकी अपनी लेडी लव से यानी कि घास से बोर होने लगता है, तब उसे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। जब रात हो जाती है तो उसे लगता है कि मुझे कहीं सोना है, तो सोने के लिए वो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के दोनों पैरों के नीचे बीच में जाके सो जाता है। तब उसे दिखाई देता है कि हैप्पी प्रिंस रो रहा है। जब उसके पास पानी की बूंदें गिरती हैं तो उसे लगता है कि पानी की बूंदें नहीं, ये उसकी आँखों से निकलने वाले आंसू हैं। हैप्पी प्रिंस की मूर्ति से आंसू निकल रहे थे। वो उससे पूछता है क्यों रो रहे हो, तब वो सारी स्टोरी बताता है कि जब वो जीवित था तब उसे कोई भी परेशानी नहीं थी, उसके महल में कोई भी दुख और पीड़ाओं के आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब वो अब मर गया है तो उसके मरने के बाद लोगों ने इसकी मूर्ति को इतनी ऊंचाई पर लगा दिया है कि उसे सारी दयनीयता, सारे दर्द दिखाई देते हैं, इसलिए उसके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं। वो बताता है कि उसे दिखाई दे रहा है कि एक सीम स्ट्रेस है जो कि बुनने का काम करती है, एक बुनकर है, वो एक रानी के लिए गाउन सिल रही है। उसका बच्चा बीमार पड़ा है, बुखार से पीड़ित है, ऑरेंज की जिद कर रहा है, लेकिन उसकी माँ के पास उसे देने के लिए नदी के पानी के अलावा और कुछ नहीं है। तो उसकी मदद करने के लिए वो स्वेलो से कहता है कि जाओ, मेरी तलवार की नुक पर जो रूबी है यानी कि पुखराज, उसकी नुक पर एक रत्न होता है, वो है, उसे जाके उसे दे आओ। वो जाके उसे दे आता है। फिर बाद में जब वो लौट के आता है तो फिर से उससे जिद करता है, फिर कहता है कि मुझे एक गैरेट में, एक छोटे से रूम में, एक कमरे में दिखाई दे रहा है एक प्ले राइट यानी कि एक नाटककार जो कि अपने नाटक को लिखने की कोशिश कर रहा है, उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठंड की वजह से और भूख की वजह से वो उसे लिख नहीं पा रहा है। उसकी मदद करने के लिए भी तुम्हें जाना होगा। तब हैप्पी प्रिंस उससे पूछता है क्या मैं एक और रूबी उसे दे आऊँ, तो हैप्पी प्रिंस तब स्वेलो सॉरी उससे पूछता है क्या मैं उसे एक और रूबी उसे दे आऊँ, तो हैप्पी प्रिंस कहता है मेरे पास एक और रूबी नहीं है, मेरी आंखें हैं जो कि शैफिर की बनी है, जो कि इंडिया से 1000 साल पहले आए थे। शैफिर यानी कि नीलम होते हैं, नीलम भी एक रत्न होता है नीले रंग का जो कि भारत में पाया जाता है, तो शैफिर से बनी हुई हैं आंखें, इसलिए उनमें से एक आंख निकाल के दे आओ। पहले वो मना करता है, लेकिन उसकी जिद से, हैप्पी प्रिंस की जिद से वो उसे तोड़ लेता है, उसकी एक आंख यानी कि उसकी एक शैफिर को निकाल लेता है। अब उसे आगे की स्टोरी मैं आगे पढ़ाता हूँ, वो उसके यहाँ पर किस तरह से देने जा रहा है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, देयर वॉज अ होल इन द रूम। उसके कमरे में, ब्ले राइट के कमरे में जाना बड़ा आसान था क्योंकि छत में एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। उसके सहारे वो अंदर घुसा और कमरे में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। नवयुवक जो था, प्ले राइट जो था, अपने हाथों पर सिर रखे लेटा हुआ था, सॉरी बैठा था, इस वजह से उसे पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं आती है। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल शैफिर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट। जब वो ऊपर की तरफ अपने सिर को उठाता है तो उसे वहाँ पर बहुत खुश होता है, उसे शैफिर दिखाई देता है उसकी टेबल पर। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिसिएटेड ही क्राइड, वह जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगता है कि मेरी प्रशंसा की जाने लगी है। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये मेरे किसी महान, किसी बड़े फैन की तरफ से है, प्रशंसक की तरफ है से है, एडमायरर यानी कि प्रशंसक। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले ख़त्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो काफ़ी खुश दिखने लगा। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर,
He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors hauling big chests out of the hold with ropes. अगले ही दिन वो हार्बर यानी कि समुद्र के किनारे के पास पहुंच गया. उसने देखा कि वहां पर नाविक जो हैं बड़े से बर्तन से कुछ खींचने की कोशिश कर रहे हैं रस्सी से. ही वह हॉय दे शाउटेड एज इज चेस्ट केम अप. जैसे ही एक चेस्ट एक बर्तन बड़ा सा बर्तन बाहर निकल आ था वो आवाज़ लगाते ही वह हॉय. आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो बट नो बडी माइंडेड. यहाँ पर जब वो लोग चिल्ला रहे थे तो यहाँ पर स्वेलो ने भी चिल्ला के कहा मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, जोर से चीखा लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी. एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. जब मून उठाया चंद्रमा आ गया उठाया तब वो हैप्पी प्रिंस के पास लौट गया. आई एम कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड. उसने कहा मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा हे स्वेलो हे छोटे से स्वेलो विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. एक रात और मेरे साथ नहीं ठहरोगे. तब उसने कहा इट्स विंटर सर्दी का मौसम है. आंसर द स्वेलो. स्वेलो ने जवाब दिया एंड द चिल स्नो विल सून बी हियर. जल्द ही यहाँ पर बर्फ गिरने लगेगी. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल लाइज इन मड. यहाँ पर बताने लगता कि इजिप्ट में मौसम बढ़िया है और वहाँ पर सूर्य गर्म है वार्म है मन को अच्छा लगने वाला. वहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं जो कीचड़ में डले हैं और आराम कर रहे हैं. वहाँ की घटनाएँ बताने लगा. लेकिन यहाँ पर हैप्पी प्रिंस कह रहा है इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस ने कहा नीचे चौराहे पर देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल. एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है. शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर. उसने अपनी माचिस को गटर में डाल दिया है एंड दे आर स्पॉइल्ड. और वो गिर गई हैं और वो ख़राब हो गई हैं. हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी. उसका पिता उसे मारेगा यदि वो घर पर कोई पैसे कमा के नहीं ले जाएगी. एंड शी इज़ क्राइंग. और इसलिए वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़ और शॉकिंग. ना उसके पास जूते हैं ना ही उसके पास शॉक्स हैं. एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर. और उसका सिर भी ढका हुआ नहीं है. उसमें भी टोपा नहीं पहने हुए है वो कैप नहीं पहने है. प्लग आउट माई अदर आई. मेरी एक और आँख को निकाल लो एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. और जाके उसे दे आओ ताकि उसके पिता उसे नहीं मारेंगे. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो. स्वेलो ने कहा मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुकूंगा. बट आई कैन नॉट प्लग आउट योर आई. लेकिन मैं तुम्हारी आँख को नहीं तोड़ सकता. यू विल बी क्वाइट ब्लाइंड देन. फिर तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा हे स्वेलो हे छोटे से स्वेलो डू एज आई कमांड यू. जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो. सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई. इसलिए उसने राजकुमार की एक और आँख को निकाल लिया एंड डार्टेड डाउन विद इट. और उसे ले जाकर नीचे उड़ने लगा. ही स्विप्ड पास्ट द मैच गर्ल. वो मैच गर्ल माचिस बेचने वाली उस लड़की के पास से ऊपर से गुजरा. And slipped the jewel into the palm of her hand. और उसकी हथेली पर उस ज्वेल को उस रत्न को उस सैफिर को डाल दिया. What it a lovely bit of glass. वो उसे देख कर कहने लगी कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है. Cried the little girl. वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी. And she ran home laughing. और वो घर जाकर हंसते हुए घर पहुँच दौड़ते हुए और हंसते हुए घर पहुंची. देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस. फिर स्वेलो राजकुमार के वापस पास आया वापस. यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड. उसने कहा तुम अब अंधे हो गए हो. सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज. इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा. तो यहाँ तक आज की स्टोरी ख़त्म कर लेते हैं. कल इसके आगे स्टोरी को जारी रखेंगे.